कल राष्ट्रपति जी ने बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया कि किस प्रकार से आकांक्षी जिलों के 65,000 गांवों में दिल्ली से चली हुई योजना को गरीब के घर तक, पिछड़े गांव तक कैसे पहुंचाया गया है, इसका काम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, 2014 में इसी लाल किले की प्राचीर से जब मैंने स्वच्छता की बात की थी तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था, अरे सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, ये स्वच्छता जैसे में अपनी ऊर्जा क्यों खपा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले दिनों WHO की रिपोर्ट आई है और WHO कह रहा है कि भारत में स्वच्छता अभियान के कारण 3 लाख बच्चे मरने से बच गए हैं। अगर वो न होता तो 3 लाख बच्चे, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको स्वच्छता में भागीदार बनकर के इन 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचाने का पुण्य पाने का अवसर न मिला। गरीब के 3 लाख बच्चों की जिंदगी बचना कितना बड़ा मानवता का काम है, विश्व संस्थाएं इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं। भाइयों बहनों, अगला वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पूज्य बापू ने अपने जीवन में आजादी से भी ज्यादा महत्व स्वच्छता को दिया था और वह कहते थे हमने भी आज गांधी बापू के 150 वर्ष, स्वच्छ भारत, आजादी मिली सत्याग्रहियों से, स्वच्छता मिलेगी स्वच्छाग्रहियों से। गांधी जी ने सत्याग्रही तैयार किए थे और गांधी जी की प्रेरणा ने स्वच्छाग्रही तैयार किए हैं और आने वाले 150वीं जयंती जब मनाएंगे तब ये देश पूज्य बापू को स्वच्छ भारत के रूप में, ये हमारे कोटि कोटि स्वच्छाग्रही मां पूज्य बापू को कार्यांजलि समर्पित करेंगे और एक प्रकार से जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं उस सपनों को पूरा कर। मेरे भाइयों बहनों, ये सही है,